हम लोग बेल्ट्रॉन के बारे में सीख रहे थे, और बेल्ट्रॉन में हम लोग लगभग 11 एपिसोड को कर चुके हैं। 11 एपिसोड का मतलब, बोलने का मतलब 11 सीटिंग कर चुके हैं। आज हम लोग 12 सीटिंग कर रहे हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका सारा स्किल बिल्ड हो पाए। और जो सीबीटी टेस्ट आपका जो होने वाला है बेल्ट्रॉन में, वो आपको लगभग लगभग आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आपको लास्ट को देखना, एक हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन प्लीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, और समझ में आ रहा ना। और नहीं तो फिर जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आपको कि बहुत लोग कोई भी चीज़ कुछ भी बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं। आप चलिए, आप वीडियो को बने रहते हैं, टाइम बिना गवाए हुए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एमएस एक्सेल है ना, क्या लिखा हुआ, कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों, मतलब कई फॉर्मूला को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए है ना क्या यूज किया जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह में कोई भी चीज रखना, ठीक है ना, तो आप किसका यूज करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से क्या करते हैं, पेस्ट। बस समझ में आ रहा ना, यही चीज है, ठीक है ना। वही बोल रहे, एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल रो को कॉपी करने के लिए क्या करते, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी था, पहला आंसर इधर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एमएस एक्सेल वर्कशीट से सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रदर्शित प्रबंधित किया जाता है। देखो टेक्स्ट रैपिंग क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट रैपिंग, ये ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना। बोलते हैं ना कि आप माइंड से ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। सबसे पहले हम आपको एक्सेल खोलते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे ना प्रैक्टिकली, तब बहुत अच्छे से समझ, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेल को हम खोलें, एक्सेल खोल लिए। अब देखो थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको दिखे बढ़िया से। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे तो बी में लिखे, लेकिन यहाँ पे कहाँ चला गया, सी में चला गया। जब हम बी में लिखे टेक्स्ट को तो ऑटोमेटिक देखिए सी में चला गया, इसी को बोलेंगे ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो को अगर सही करना है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे बी से स्टार्ट किए थे बी में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं कि आपका ऑप्शन है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ठीक है आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट। और ये किस मेनू में रहता है, होम टैब में रहता है, ये आपका रैप टेक्स्ट की मदद से होम टैब में आपको मिल जाए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करें, ध्यान दीजिए इस पर क्लिक करें, ओवरफ्लो को क्या कर देगा, एक ही बॉक्स में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे रैप टेक्स, और ये किस मेनू में है, होम टैब, मेनू को हम टैब भी बोलते हैं। तो होम टैब में आपको क्या मिलेगा, रैप टेक्स मिलेगा। इसका काम क्या होता है, ओवरफ्लो जो होता है टेक्स्ट को, वो आपको एक ही उसको मतलब ओवरफ्लो होने नहीं देता, यही चीज है, ठीक है। इसी को मतलब ओवरफ्लो इशू को कौन मतलब रोक सकता है यहाँ पे, रैप टेक्स, ठीक है ना, टेक्स रैपिंग, ये सॉरी टेक्स रैपिंग, रैप टेक्स, रैप टेक्स, टेक्स रैपिंग, यहाँ पे टेक्स आपको ये टेक्स वार्पिंग वो अलग चीज है, यही होगा टेक्स रैपिंग, यहाँ रैप टेक्स है, यहाँ पे टेक्स रैपिंग लिखा हुआ, लेकिन यही होगा रैप टेक्स्ट ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल बोला है, यही चीज होगा ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट के निम्नलिखित, देखिए ऊपर जो हम क्वेश्चन लिखे थे ना टेक्स रैपिंग है, और यहाँ पे क्या लिखा रैप टेक्स्ट, इसमें जो है ना मिसप्लेस है, देख सक बोल सकते हैं ये टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम आपको फिर से समझते हैं, ये रैप टेक्स है, इसमें रैप टेक्स कहीं नहीं लिखा हुआ, रैप टेक्स कहीं नहीं लिखा, रैपिंग टेक्स रैपिंग बोलने का अर्थ ही है, लेकिन पता है आपको ये आपका देखा जाए तो आंसर गलत हो जाएगा, तब भाई इसमें गलत देखा जाए तो, लेकिन अगर इस सब चारों में से अगर थोड़ा सा सही अगर माना जाए इसको बोल सकते, बस समझ में आ रहा, मतलब हम आपको जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ये देखिए रैप टेक्स है, और यहाँ पे रैप टेक्स कहीं क्लियर है, यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा सेल
फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। देखिए नहीं है बोला, मतलब फॉर्मेटिंग में जो आता है वो कौन सा विकल्प नहीं है, तो बोल्ड तो होता ही है, इटैलिक उपलब्ध होता है, बोल्ड इटैलिक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइलेंट यूएलएटी, ये इस टाइप का कुछ फॉर्मेटिंग है ही नहीं। ये फॉर्मेटिंग आप देखे होंगे तो बताइएगा कि तो ये बोला कौन सा उपलब्ध नहीं है, ये थर्ड इज द राइट आंसर यहाँ। ठीक है, बोल्ड होता है, बोल्ड इटैलिक दोनों होता है, ठीक चलिए यहाँ पे, लेकिन ये आपका नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन नहीं। ठीक नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हम और जूम कर देते ताकि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे। देखो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए है ना, यहाँ पे किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए एमएस वर्ड में। चलो हम एमएस वर्ड को पहले खोल, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड ओपन यूज करते हैं, इसको इस नेम को पता है कौन सा नेम बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव नेम बोले, क्या बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, याद रखिए है ना। यहाँ पे ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला, अब यहाँ के क्या क्वेश्चन थे कि एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट कर। देखो अगर कभी भी आप लोग एमएस वर्ड का यूज किए होंगे तो समझिएगा, अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाइएगा, और यहाँ पर टेबल तो कौन सा मेनू का यूज किया हम, इंसर्ट में जाकर टेबल, थोड़ा सा जूम करके दिखाते तब आपको समझ में अच्छे से, इंसर्ट में जाकर किसका टेबल, तो इंसर्ट मेनू में जाकर हम टेबल को इंसर्ट, ये तो पूछ रहा है इंसर्ट है ना, करने के लिए किस मेनू, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या, यहाँ पे यूएसबी 2.0 की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, 140 है ना एमबी एम बिट, समझ में मेगा बिट होता है, बिट बिट्स नहीं होगा बिट है ना, बिट्स पर सेकंड बोल सकते हैं बिट पर, तो याद कर लें 2.0 को यहाँ पे क्या है वो है ना 480 बिट्स, एम बिट, एम बिट लिखिए मेगा बिट पर सेकंड। ठीक है क्या हो जाएगा, 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है 480 MB, याद रखिएगा यहाँ पे, ये याद रखनी, इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है, बात समझ, क्योंकि ये तो जो यूएसबी होता है ना 3.0 होता है, 2.0 होता है, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 3.0। अब यहाँ पे क्या एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है, अगर लॉजिकल फंक्शंस पे बोलें तो आपको हम समझा देते, एक्सेल में चलिए एमएस एक्सेल से पूछा, अब फॉर्मूला टैब में यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएंगे कि फॉर्मूला टैब में एक ऑप्शन है लॉजिकल, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा होगा। ठीक है थोड़ा सा हम इसको में जाते हैं, क्या क्या है देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो अंदर से देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड फॉल्स इफ एरर इफ एन ए इफ्स लेट नॉट और स्विच ट्रू और एक्स और, यहाँ पे देखिए इतना अंदर तक तो कोई इंस्टीट्यूट में जाकर भी आप सीखिएगा ना तो नहीं बता, आप अगर आप सीखे होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा इतना तक अंदर तक सीखेंगे, इसलिए बोले वीडियो पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं 110% एग्जाम निकल जाएगा, ये सब देख लिए। अब इसमें क्या पूछा आपसे कि कौन सा उपलब्ध नहीं, तो देखो यहाँ पे नोट तो था और भी था एंड भी था, एल्स नहीं था, चलो हम फिर से जाते हैं एल्स को ढूंढ, लॉजिकल में जाओ, थोड़ा सा जूम करते हैं, एल्स कहीं दिख रहा, एल्स आपको सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग में मिली है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, देखिए यहाँ पे एंड है फॉल्स है इफ है इफ एरर है इफ एन ए है इफ्स है लेट है नॉट है और है स्विच है ट्रू है एक्सॉर है, लेकिन एल्स कहीं नहीं, तो यही पूछा कौन लॉजिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है चलिए वेरी गुड, अब यहाँ पे देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा ना तो लाइक कर दे, तो बाद में भूल जाइएगा, अगर थोड़ा सा अगर हम मोटिवेट करना है हमें को तो आप कर सकते हैं। ठीक है एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प कौन सा है, देखिए होम मेनू के विकल्प में नंबर समूह के विकल्प कौन सा है, तो देखो क्या लिखा डिक्रीज है ना, डिक्रीज डेसिमल है ना, परसेंटेज स्टाइल कॉमा स्टाइल, तो डेसिमल पॉइंट स्टाइल, डेसिमल समझते हैं आप
एमएस एक्सेल में होम मेनू के अंतर्गत नंबर सम, नंबर समूह का मतलब क्या बोल सकते हैं, होम मेनू में जाइएगा, नंबर समूह का मतलब होता है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको नंबर समूह का मतलब, नंबर ग्रुप की बात करिए, ग्रुप होता है देखो, ये नंबर ग्रुप हो गया, ये अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, ये स्टाइल ग्रुप हो गया, ये सेल्स ग्रुप, वही बोल रहा है नंबर ग्रुप में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प कौन सा, तो कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प है, तो देखिए आप ये यहाँ पे देखिए, ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज तो है नहीं, डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पे क्या लिखे, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, क्या बोला यहाँ पे, होम मेनू को नंबर ग्रुप कौन सा, अनु अनुपलब्ध, देखिए क्वेश्चंस को घुमा दिया, अनुपलब्ध, अनुपलब्ध का मतलब क्या होता है, उपलब्ध नहीं है ना, उपलब्ध नहीं बोला, अनुपलब्ध, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट स्टाइल नहीं है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि डिक्रीज डेसिमल है, परसेंटेज स्टाइल है, कॉमा स्टाइल है, ध्यान दीजिए क्या बोला, अनुपलब्ध, अनुपलब्ध का मतलब कौन उपलब्ध नहीं है, तो देखिए परसेंटेज ये है, कॉमा स्टाइल है, और डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ डेसिमल पॉइंट स्टाइल कहीं नहीं, ये सही, इस वर्ड को देखिए हम अभी कंफ्यूज कर रहे थे लेकिन बाद में अब समझ में आ गए, इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, 2 से 3 बार, यानी कि अनुपलब्ध, अनुपलब्ध का मतलब कौन उपलब्ध नहीं है, बात समझ में आ रहा ना यहाँ पर, अगर कौन उपलब्ध नहीं है बोलता तो हम इजी से समझ जाते एक ही बार, लेकिन अनुपलब्ध बोला, मतलब अनुपलब्ध का मतलब भी उपलब्ध नहीं है, ये डेसिमल इधर डेसिमल पॉइंट स्टाइल इसमें नंबर ग्रुप में नहीं हो, कोई हम थोड़ा देर के लिए नेक्स्ट क्या बोलते, एड्रेस 2 है ना, 202.2 है ना, 121.75.96 इज अ आईपी एड्रेस, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस क्या है, क्लास सी का आईपी एड्रेस याद रख लीजिए, तो याद रखने वाला। नेक्स्ट एमएस एक्सेल से पूछो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएस एक्सेल से भरा पड़ा, यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए टैब है ना, किस टैब पर इसको किस पढ़ते हैं, डैश को मान लो किस किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना, देखो अगर फाइल यहाँ पे दिया होता तो फाइल भी हो सकता, लेकिन फाइल के बाद कोई दूसरा टैब है तो कौन है, बात समझ में आ रहा, मतलब तो प्रोटेक्ट का दो होता है, एक होता है फाइल टैब और तो दूसरा क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, रिव्यू टैब, याद रखिए अगर जैसे ही प्रोटेक्ट पूछा सुरक्षा की बात आए तो प्रोटेक्ट मतलब रिव्यू टैब या फाइल टैब, चलो हम इसको बताते हैं कि कौन सा, रिव्यू मेनू में जाएंगे आप, यहाँ पे दिखाओ क्या हुआ, प्रोटेक्ट, ये दोनों है, प्रोटेक्ट सीट बोला है और प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर होता है, वर्कबुक का मतलब बोल दिया कि पूरे सीट में जितना मतलब, तो पूरे वर्कबुक में, हर बोलने का मतलब क्या हुआ सारा रूम बोल दिया, और कमरा बोलने का मतलब क्या हुआ जिस कमरा में है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक कमरा लॉक करने की बात करता, अरे पूरा ये घर लॉक करने का, मतलब हम एक्सेल के माध्यम से समझा, अगर एक्स प्रोटेक्ट वर्कबुक बोला तो जितना सीट खुला हुआ सब, और प्रोटेक्ट सीट बोला तो जिस सीट में आप मतलब एक्टिव है, मतलब आपका कर्सर है उस सीट की बात कर लॉक करने, चलिए आई होप समझ पाए होंगे, इतना बार समझदार आप, इन एमएस वर्ड यूज डैश टू क्लियर ऑल फॉर्मेट इन सेलेक्टेड टेक्स्ट, क्या बोला एमएस वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, एमएस वर्ड को खोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट डिलीट कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं है ना, यहाँ पे होम टैब में जाते हैं, साइज को थोड़ा हम बड़ा कर देते यहाँ पे लेते हैं एन ई एक्स इन कंप्यूटर, ठीक है ठीक है, अब इसको ऐसा करो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम आपको समझा रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज, बोल्ड कर लिए, इटालिक कर लिए, मान लो अंडरलाइन भी कर लिए, साइज को और थोड़ा बड़ा कर लिए, यहाँ से कलर भी कर, और बोला क्लियर, क्लियर मतलब सिंपल कैसे करते, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से, देखिए हम कंट्रोल के साथ क्या दबा रहे हैं, स्पेस दबाएंगे, ये देखिए मतलब ये किसका शॉर्टकट किया है, क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये देखिए जूम करते हैं थोड़ा सा,
ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये दैट इज कॉल्ड क्लियर फॉर्म। और क्लियर फॉर्मेटिंग जो होता है किस मेनू में रहता है, होम मेनू, याद रखिएगा ठीक है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार याद रखिएगा, है ना। शिफ्ट एफ थ्री से तो चेंज केस होता है, जो जैसे लोअर अपर में कन्वर्ट करना ठीक है। शिफ्ट एफ फाइव कुछ आई होप इसमें एमएस वर्ड में तो है नहीं, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को छोड़कर सभी को ये क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्या, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है। एक सर्वर है तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग के लिए प्रदान करता है, कौन सा किस टाइप का मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है, तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, इसको याद कर दी। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान सॉरी करता नहीं, कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता, तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग इस टाइप का सेवा प्रदान नहीं ठीक है। चल एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है बाइंड साइज को मार्जिन जोड़ना, जैसे होता है ना मार्जिन तो समझते हैं चौथाई होता है, तो जैसे बुक बाइंडिंग होता है ना, तो बुक बाइंडिंग के लिए गटर मार्जिन का जरूरत पड़ता। ये देखिए एमएस वर्ड के हम आपको दिखा दें, लेआउट मेनू में जाइएगा, यहाँ पे मार्जिन में जाइएगा और यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाइएगा, यहाँ पे आपको में आपको कहीं मिलेगा पेपर में आपको गटर मार्जिन, थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देंगे, दिख रहा है आपको जूम कर, गटर पोजिशन। जैसे बुक वगैरह बाइंडिंग होता है ना, राइट से बाइंडिंग भी होता है, टॉप से भी देखते होंगे, लेफ्ट देखिए हम ज्यादातर हम देखे बुक में टॉप से बाइंडिंग होता है, ऐसे देखते हो ऐसे करके कुछ भी, जैसे आपको मान ली मोबाइल के एग्जांपल से बताते हैं, ऐसे करके ऐसे पलटते हैं यानी फिर ऐसे करके पलटते हैं, ये टॉप है देखिए टॉप से बाइंडिंग हो सकता है और लेफ्ट से होता है ना, यही दिखा रहा है कि लेफ्ट दिया हुआ और टॉप से, इसका यूज क्यों करते हैं बाइंडिंग पर्पज से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करें, विषम मतलब समझ में आया मतलब कौन अलग, तो देखिए आप एस एम टी पी कौन विषम है, एस एम टी पी एक प्रोटोकॉल, एच टी टी पी ही प्रोटोकॉल है, एफ टी पी भी एक प्रोटोकॉल है, स्वैप एक सॉफ्टवेयर का नाम, समझ में आ रहा विषम मतलब कौन अलग, स्वैप एक सॉफ्टवेयर का नाम ठीक है, ये कौन सा ईआरपी ना सॉफ्टवेयर होता है, टैली जैसा ही होता है ठीक है ना, हम फुल फॉर्म अभी भूल रहे हैं लेकिन स्वैप एक सॉफ्टवेयर का नाम है ठीक है ना, और ये ईआरपी टैली जैसा ही होता है, ये अकाउंटिंग का काम के लिए फेमस है। समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइकिल ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्रुप, देखिए स्मार्ट आर्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन वैलिड नहीं, तो देखिए गियर ब्रेक साइकिल कौन सा वैलिड अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्रुप, कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें, मल्टी डायरेक्शन साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, देखिए इस सारे ऑप्शन है लेकिन ब्रेक साइकिल नाम से नहीं, आप स्मार्ट आर्ट खोलिएगा एमएस एक्सेल खोलिए, इंसर्ट में जाइए स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे देख ये जो है ना ये अलग अलग टाइप का ऑप्शन है यहाँ ठीक है, आपको यहाँ जब कर्सर को रखिएगा तो बहुत सारा चीज आपको दिखा है ना, ये तो कर्सर रखिए इसी में आपको बोल रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं है, देख रहे कितना अंदर से क्वेश्चन है, अब जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे साइकिल से साइकिल है, यहाँ पे सी वाई सी एल साइकिल हो गया, साइकिल में यहाँ पे क्या बोला बेसिक साइकिल है, यहाँ पे टेक्स्ट साइकिल है, ब्लॉक साइकिल है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना यही सब बोला है यहाँ पे मल्टी, देखिए ये सब साइकिल से क्वेश्चन पूछा बताइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कौन सा साइकिल मतलब यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे देखिए ना ये साइकिल में जाइए ये देखिए किस टाइप का साइकिल नहीं है, बेसिक साइकिल है, टेक्स साइकिल है, ब्लॉक साइकिल है, इतना तो समझ रहे हैं ना इस सर इधर इधर से क्वेश्चन पूछा है, 100% जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा एमसीक्यू कितना भी वो अंदर तक पढ़ ले
एमएस वर्ड कोई भी टीचर पढ़ा दे गड़बड़ा सकता है। इसीलिए जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइकिल नहीं है, तो आप यहां से देखिए, ये साइकिल में क्लिक किए और यहां से देखिए यहाँ पे इसमें साइकिल में कौन सा कर्सर रखिएगा तो दिखा, ठीक है। तो इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ब्रेक नाम का साइकिल नहीं, बाकी मल्टी डायरेक्शनल है, एक साइकिल है ना, गियर साइकिल। चलिए आते हैं मुद्दे पे। 15 नंबर क्या क्वेश्चन, यूज डैश फॉर सेलेक्टिंग द इंटायर टेक्स्ट एंड इमेज इन अ इन एन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में अगर एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंटायर मतलब पूरे, इंटायर का मतलब क्या होता है पूरे, तो कैसे कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये क्वेश्चन है ना, कहीं से ये वर्ड से देखिए ऐसे। चलिए एम एस वर्ड को हम खोलते हैं, मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं 800 पैराग्राफ। अब सारे को आप एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए, सेलेक्ट होगा। कंट्रोल ए करने के बाद बोल्ड करिएगा सारा बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई के इटाली करिएगा सारे। तो वो ये उतना नहीं पूछा है, बोला कि इंटायर को सेलेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल ए का यूज करेंगे। हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द कंट्रोल पैनल के थ्रू, एड कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू, है ना। हार्डवेयर डिवाइस में कोई हार्डवेयर डिवाइस एड किया उसका सेटिंग करना हो तो कंट्रोल पैनल की मदद से कर सकते। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, क्या है सीपीयू का पार्ट, समझ में, इसको याद कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ द। दो चार क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको याद कर लीजिएगा ना तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। चूज द ऑड आइटम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, चूज द ऑड आइटम, ऑड मतलब अलग टाइप का आइटम, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखो अंडरलाइन एक फॉर्मेटिंग टूल है, फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, बोल्ड भी एक फॉर्मेटिंग है, इटैलिक एक और फॉर्मेटिंग है, एरियल फॉर्मेटिंग ने फॉन्ट का नाम, ये देखिए फॉन्ट का ये क्या है नाम है, तो यही बोला कि अलग कौन है। बच्चे जो पढ़े हुए नहीं रहेंगे, देखिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, चलो आप एम एस वर्ड में या किसी में, ये तो सभी में देता है, तो होम में जाओ, यहाँ पे देखो बोल्ड ए वाला ऑप्शन जूम करके, बोल्ड है, इटालिक है, और एक क्या था अंडरलाइन था ना, बोल्ड हाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन, ये तीनों फॉर्मेटिंग है, लेकिन कैलिबी या कुछ भी और नाम पूछ दिया, ये तो फॉन्ट का नाम हुआ ना, ये फॉर्मेटिंग है तो ये अलग है, बोल सकते हो यहाँ पे वही लिख द मेल, द मेन मेल में डॉक्यूमेंट आ का काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टरी बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, इनवेलप के लिए, लेबल के लिए, ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है, वही चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर मेल मतलब किस पर्पज से यूज किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। इसमें 60 क्वेश्चन पूरा हम कवर करने वाले हैं, 1 से लेकर 60 तक, है ना। एक कंपाइलर आमतौर पे डैश पेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता, वो यहाँ पे क्या बोला 6, एक कंपाइलर आमतौर पे 6 फेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, याद रखिए 6 फेज। यदि हम अब 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला, यदि हम किसी यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, जैसे 0.00, 1.11, 2.4, 2.4, sorry, 3.9 और एक फोर्थ लाइन, है ना, स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो किस एक्सेल शीट में वर्क, यहाँ पे क्या बोला है वर्क का आकार क्या होगा, एक यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, एक पर वन, ये सबसे पहले इतना क्या पूछ क्या रहा है, फिर से इसको पढ़ गया, पूछना चाहता है यदि एक निम्नलिखित सूची का सूची तय करते हैं, जैसे ये मेरे पास सूची है तो कोई भी है, ठीक है,
एक स्मूथ लाइन मतलब सरल रेखा कुछ भी बनाना है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट बनाते हैं, स्कैटर एक चार्ट का नाम है, जैसे पाई चार्ट कॉलम चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट बनाते हैं। तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? एक वक्र का आकार एक परवलय, समझ में आ रहा है? ठीक है, सीधा नहीं होगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं परवल। ठीक है, अब देख लीजिएगा इंग्लिश। इसीलिए हम बोले ना कि कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में जो है ना बहुत तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाए, इसलिए वहां पे क्वेश्चन दोनों रहे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग बस, PUS चलने वाले रोड पे बस नहीं बात कर रहे, है ना, USB होता है। बस इज यूजली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइस, PCI पर्पज से यूज किया जाता है, PCI कनेक्ट। नेक्स्ट विंडोज XP होम वर्जन। देखिए विंडोज XP में बहुत सारा होता है, अल्टीमेट होता है, प्रोफेशनल होता है, ठीक है ना, इंटरप्राइजेज होता है। तो इसमें बोला होम वर्जन भी होता है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये देखिए ये वाला सुविधा उपलब्ध नहीं, ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, ठीक है ना, इंस्टॉल करना। नेक्स्ट MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, है ना, किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए? तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, जब सुरक्षित की बात है तो फाइल मेनू हो सकता है, यानी तो रिव्यू मेनू हो सकता है। तो रिव्यू मेनू यहाँ नहीं है, व्यू है, टूल्स मेनू है, होम मेनू है। और तो होम मेनू तो फाइल, अब बोले ना फाइल मेनू हो सकता है और रिव्यू मेनू। जब भी यहाँ पे सुरक्षित की बात आपसे पूछ दिया, सुरक्षित, तो आप देख लीजिए कि मेनू अगर पूछ रहा है तो फाइल हो सकता है, यानी तो रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू दिया ही नहीं, फाइल ही ना होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, 110% अगर आप दिल पे हाथ रख के अगर बोलते हैं, अगर बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं 100% आप करके आएंगे। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट आपको हम पूरी कंप्लीट ला लाएंगे, ठीक है ना। एक बच्चे भी कमेंट किए थे कि सर क्या आप पूरी कंटेंट लाएंगे, देखिए हम आपको दिखा देते हैं चैनल को, तो आप है ना चले जाइए। यहाँ पे आप देख जाइएगा, यहाँ पे सर्च करते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, इसमें आप जाइएगा। अभी जैसे वीडियो डाले थे इसमें देखिए क्या बच्चे क्या बोले, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कवर करा दीजिए। ये सब बच्ची को जो है ना उम्मीद नहीं तोड़े, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बाद बाकी हम चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम आपको बता दिए, इसलिए आप लोग जरूर कवर करिएगा सारा चीजें, ताकि है ना थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होगा, जैसा कि देख रहे कि कोई 5 मिनट 7 मिनट वीडियो देखते हैं छोड़ देते, इससे पढ़ने से नहीं होगा, पूरा देखिए कंप्लीट वीडियो देखिए, नहीं तो फिर देख भी मत करिए। एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता, एक लोडर के लिए क्या जिम्मेदार हो? देखिए आप एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क में मेमोरी का प्रयोग, है ना, प्रोग्राम कोड को लोडिंग। एक जिम्मेदारी के लिए क्या होता है, कंप्यूटर में लोड करना, बात समझ में, एग्जीक्यूट कर, ये वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, एमएस वर्ड शुरू करने के, एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक, क्या बोला, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, कौन सी सही तरीका है? डेस्कटॉप में अगर एमएस वर्ड का आइकन बना हो उस पर डबल क्लिक कर दें, ठीक है, सुन जाएगा, ठीक है, वही सही तरीका है। क्या बोला ये, नेक्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। टू गेट द लोगो ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजिंग अपेयरिंग ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजिशन फॉर ऑल द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन पेपर। ये सबसे पहले बोला डैश, सबसे पहले बोला क्या,
बोला है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन, उसी पोजीशन में स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इंसर्ट द लोगो, ऑल द स्लाइड्स, ये क्या बोला, ऑल द स्लाइड, मतलब सारे स्लाइड में उस प्रेजेंटेशन को आप चाहते हैं, जो भी आप देंगे लोगो, जैसे कोई कंपनी का प्रेजेंटेशन तो को सभी में चाहिए, तो उसके लिए किसका यूज करें? बच्चे क्या यूज करते हैं? स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं यहाँ पे, स्लाइड मास्टर। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं पावर पॉइंट पर, ये अभी हम अभी तक 27 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अब इसमें देखिए पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन है, बहुत सारा में सिटी में एक पावर पॉइंट का ज्यादा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरे पास बहुत सारा स्लाइड है, हम चाहते हैं कि सारे स्लाइड में हम प्रेजेंटेशन मतलब वो लोगो आए, तो व्यू में जाएंगे हम, बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, तो तरीका कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अब व्यू में जाइएगा, ये ऑप्शन है यहाँ पे देखिए स्लाइड मास्टर में जाके, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको स्लाइड मास्टर, इसकी मदद से आप जो भी डिजाइन करें, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करते हैं, मान लेते हैं, मान लिया हम कुछ भी डिजाइन, ये देखिए जितना भी पेज में डिजाइन करेंगे, सॉरी तो डिलीट करिए, पहले फर्स्ट स्लाइड में जाइए, अब उसके बाद जो भी डिजाइन करेंगे वो देखिए हर एक स्लाइड ठीक है आपको, व्यू में जाकर नॉर्मल में क्लिक करिए, हालांकि ये चीज जितना जल्दी बताएं उतना जल्दी समझ में नहीं आया, लेकिन ये याद रखिए कि स्लाइड मास्टर में सीधा सीधा याद रखिए, स्लाइड मास्टर से जो भी डिजाइनिंग एक स्लाइड में बनाएंगे वो हर एक स्लाइड में आपका आ जाएगा, बाई डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू रहता है, अगर आप चाहते हैं कि एक जैसे कोई लोगो कंपनी का हर एक स्लाइड में डालना और कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, स्लाइड मास्टर की मदद से कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम की पहचान, फिर यहाँ पे बोला विषम की पहचान, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बूटस्ट्रैप भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है बोल सकते ठीक है, एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, ये किसका फ्रेमवर्क है, सीएसएस का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का है ना, ये एक्चुअली में ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज, ऐसे भी कर सक बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है यहाँ पे, ये तीनों ये बैकएंड के लिए यूज किया जाता है, ये फ्रंट एंड के लिए यूज किया, भी निकाल सकते हैं विषम का पहचान, आप पढ़े हुए रहेंगे तभी निकाल पाए, इसीलिए इसको आप रट लीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रोग्रामिंग का भी बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आपको बता पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप ऑन टाइपिंग अ लॉन्ग वर्ड, अगर आपको लॉन्ग वर्ड टाइपिंग करना, इग्नोरिंग द लाइट है ना, इग्नोरिंग द राइट मार्जिन इन एमएस वर्ड, क्या बोल रहा है कि अगर आप लॉन्ग वर्ड टाइप करना चाहते हैं, इग्नोरिंग द राइट मार्जिन ठीक है ना इन एमएस वर्ड, इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला, व्हाट हैपेंड मतलब क्या करेंगे आप, दैट द वर्ड दैट डज नॉट हिट है ना, हिट इज मूव टू नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली, यही बोल रहा है वो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिट, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है, देखिए क्या बोला है, प्रोटेक्टेड वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, मतलब अगर आप प्रोटेक्ट कर दिए, सुरक्षा कर दिए, आप उसमें कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं, वर्कशीट डिलीट कर सकते, तो समझे, चलो नहीं समझे तो हम बताएंगे एकदम पूरा डिटेल में समझाएंगे, जैसे मान लो ये सीट खुला हुआ, आप यहाँ पे चले जाओ रिव्यू में और प्रोटेक्ट सीट लगा दो, यहाँ पासवर्ड डालते 123 123, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो कॉलम तो इंसर्ट होगा नहीं, सेल फॉर्मेटिंग नहीं होगा, एक रो इंसर्ट, देखो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट रो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस पे राइट क्लिक करके सीट को डिलीट कर सकते हैं, तो यही बोला कौन सा ऑपरेशन, कौन सा ऑप्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं,
30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन और कवर इसमें करेंगे, मतलब 60 60 क्वेश्चंस का जो है ना आपके एक सीरीज ही। अब इतना समझ जाइए कि अगर हम इसमें 50 सिटिंग का क्वेश्चन वो सारा हम आपको बता देते हैं, क्या लगता है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा? 110% एग्जाम, बस खाली आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये मत सोचिए कितना लंबा वीडियो कौन देखा, इतना लंबा नहीं। अगर एक बार हो जाएगा ना, आप चाहते कि मेरा जॉब हो जाए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कहीं से ना तो मैथ पढ़ना है, ना तो रीजनिंग पढ़ना, ना तो जीके पढ़ना, ना तो जीएस पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है ना, इंटरनेट पढ़ के आप जॉब ले सकते। अच्छा जॉब है, अगर आपको बिहार झारखंड में जॉब, बिहार में सॉरी जॉब करना है तो आपको अच्छा है घर तर का, आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है तो लैंडस्केप, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट क्या है, लैंडस्केप होता है, लेकिन एमएस वर्ड अगर पूछता तो पोर्ट्रेट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है तो पोर्ट्रेट होता है, एमएस वर्ड की बात करें, अगर पावर पॉइंट पूछ दिया तो लैंडस्केप होता है। देखिए आप पावर पॉइंट खोलिए, आप डिजाइन में जाइए, डिजाइन बोलो होम टैब में, होम टैब में जाइएगा तो ओरिएंटेशन कहीं तो ये आप ओरिएंटेशन ले आओ, ये लैंडस्केप ही रहता है, ये देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डिजाइन में टाइम में, ये देखिए स्टैंडर्ड, ये हो गया, ऐसे में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप था यहीं पे कहीं दिया है, देखिए हम भूल जा रहे हैं थोड़ा सा, स्लाइड क्या होगा आप ध्यान से देखिए, उतर गया नहीं देना उसमें, पोर्ट्रेट डिजाइन में चलिए कोई बात नहीं, इतना याद रखते पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है, ठीक है ना। ये देखिए आप इसके अंदर दे दिया जी, ठीक है आप डिजाइन मेनू में साइज में जाके कस्टम साइज में जाइएगा, यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट है ना, यहाँ ठीक रहा ना आप लैंडस्केप रहा, ठीक है ना। ये बोला ओरिएंटेशन जो स्लाइड का होता है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, लैंडस्केप, ठीक है। दूसरे वर्जन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होम टैब में यहीं पे डिजाइन टैब में यहीं पे दिखता है, लेकिन इसमें देखो स्लाइड साइज में कस्टम में जाने के बाद भी, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा वर्जन, ये कौन सा बाय डिफॉल्ट रहता, तो सभी वर्जन में लैंडस्केप ही रहता। सॉरी इतना टाइम लगा दिए आप लोग, लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कर्नल इज, कर्नल क्या, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है ना। नेक्स्ट, फॉर द मर्जिंग ऑफ डेटा इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट, क्या बोला है, फॉर अ मर्जिंग, मर्जिंग मर्जिंग बोला मर्ज करना, ठीक है ना, मर्जिंग ऑफ डेटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट वी यूज, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डेटा सोर्स का ही, डेटा सोर्स का ही, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड की क्वेश्चन बोल रहा है, वर्कशीट सेल, वर्कशीट जैसे बोल दिया समझिए, एक्सेल का क्वेश्चन, वर्कशीट सेल इज फॉर्मेटेड टू डिस्प्ले परसेंटेज विथ 3 decimal points, व्हाट विल बी डिस्प्ले इफ द इनपुट वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6 7, दैट सेल। अगर आप चाहते हैं कि इसमें करेंगे तो कौन सा वैल्यू आपको दिखेगा, वही दिखेगा जो आप करेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 decimal बोला, तो 3 decimal बोलेगा यहाँ पे
आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, थ्री डेसिमल, परसेंटेज विद थ्री डेसिमल, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऐसे हम करता है, यहाँ तक तीन ही डेसिमल दिखना चाहिए, गलत एक दे दिया, थ्री डेसिमल को डिस्प्ले परसेंटेज विद थ्री डेसिमल पॉइंट, यहीं तक दिखेगा हमको लगता है यहाँ तक, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करिए, इसको टाइप करिए और डेसिमल को आप घटाकर, हम मतलब बढ़ाकर इसको कॉपी करके देख, कॉपी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल लेते हैं, यहाँ पे मैं जाके पेस्ट कर, ये नहीं हुआ ठीक है ना, था इसको हम छोटा करके दिखा ही देते हैं, देन क्यों क्या यहाँ पे वन प्रोटेक्ट हम किए थे क्या, ठीक है। इसको अगर थ्री डेसिमल करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे तीन डेसिमल यही दिखेगा, 4 5 7, यहाँ पे देखिए 4 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, 4 5 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग आंसर दे दिया है, यहाँ पे 4 5 6 है, 7 है ऐसे, देखिए ये भी हो सकता है सही, लेकिन यहाँ पे थ्री डेसिमल अगर बोला है तीन डेसिमल, तो 4 5 6.5 रहेगा ना, तब भी 6 पर पॉइंट रहेगा तो आप 6 आए, ये भी बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन गलत है ना। तो आंसर में कोई भी आंसर नहीं हुआ, ये गलत बोल सकते हैं, 1 2 3.4 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 है ना, यहाँ पे ठीक है 7 हो जाएगा, 5 7 ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तीन डेसिमल ना, 4 पॉइंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एस दबाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है ना, F7 प्रेस करके, F7 प्रेस एमएस एफ दबाकर मतलब एमएस F7 को प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर खुल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, फाइल ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड, फील्ड साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय, फील्ड साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध, विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो ऑटो फिट रो है, ऑटो फिट रो है ठीक है, पूछा क्या इसको फिर से समझ, फील्ड साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट, रो का रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है, मतलब तो रो हाइट के अलावा कौन सा विकल्प होता है, ऑटो फिट रो है, ऑटो फिट रो हाइट करता क्या है, चलो हम एक्सेल में बता ही देते हैं, एक सीट हम खोल देखिए यहाँ पे वन लिखते हैं, टू कुछ भी लिख देते कंटेंट, हम 30 तक या कुछ भी ड्रैग करते, मान लो यहाँ पे 21 जूम कर देते, देखिए अब जैसे ही फॉर्मेट में जाएंगे ना, यहाँ पे ऑटो फिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम है ना, यहाँ पे यही पूछ रहे इसके अलावा कौन है, तो ऑटो फिट कॉलम भी था आंसर में, इससे होगा क्या ऑटोमेटिक, देखिए जो हिसाब से कॉन्टेंट था ऑटोमेटिक, कॉन्टेंट का मतलब जो आपका जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, बड़ा भी नहीं हुआ छोटा भी नहीं हुआ ऑटोमेटिक, वो क्या हो गया फिट हो, ठीक है। इन एमएस एक्सेल 2016 द प्रोटेक्ट स्लैश अनप्रोटेक्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर विच मेनू, किस मेनू में रहा, रिव्यू मेनू, अगर यहाँ फाइल रहता तो फाइल भी हो सकता था, बात समझ में आ रहा ना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिव्यू भी, हम आपको बोल दें ना जब भी प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट की बात आए तो आपको रिव्यू और फाइल देखना दोनों जगह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है बॉटम कहाँ प्रदर्शित करता है, लेफ्ट कहाँ क्या क्या प्रदर्शित करता है, कहाँ प्रदर्शित करता है, तो सीट का नाम कहाँ दिखाता है, बोल सकते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ वही लिखा बॉटम लेफ्ट नीचे दाएं बाएं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है, से कौन सा डिवाइस गेम खेलने के वक्त,
आपको पहले ही क्लास में, देखिएगा पहला ही नहीं, आप लोग को हम बताए होंगे इनपुट और आउटपुट में, उसमें शायद 10 या 9 वाला में उस पर बताए होंगे। स्टिक एक गेम खेलने के लिए यूज किया है ना, यहाँ पे कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस, ये भी एक, इन तीनों सब इनपुट डिवाइस है ये सब, लेकिन जॉयस्टिक का यूज क्या होता है, गेम खेलने, कोई बोला कि गेमिंग पर्पज से कौन यूज होता है। यहाँ पे टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको है ना की आवश्यकता होती है। फिर से पढ़ते हैं, टेलीफोन लाइन उपयोग करने करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है मॉडेम की, ठीक है। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है, ठीक है। एमएस एक्सेल को आप खोलिए, उसके बाद हम समझाएंगे कि ये करना वो पूछना क्या था। जैसे हम अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान यहाँ पर नेम डी, इसमें इस पे डबल क्लिक, इस पे क्लिक करते हैं, इसमें अधिकतम फॉन्ट का साइज क्या बढ़ा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसे तो बढ़ा कुछ भी सकते हैं, टाइप जितना कर दिए उतना हो जाए, तो मतलब नहीं उसका भी लिमिटेशन है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ तक दिया बताइए तो, 72 तक दिया, कहाँ तक दिया है, बाय डिफॉल्ट 72, मतलब मैक्सिमम 72 और मिनिमम भी याद रख ली 8, मैक्सिमम 72 और मिनिमम 8, तो ये पूछा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम, ठीक है ना, फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है अधिकतम तो 72, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में, एमएस एक्सेल 2016 स्क्रीन के ऊपरी बाएं, राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बाएं, ठीक है ना, बाएं कोने में मेनू बटन जिसे कहा जाता है, तो लेफ्ट साइड में जो बटन रहता है, तो लेफ्ट मतलब बाएं तरफ में, राइट मतलब दायां होता है, तो कौन सा मेनू था, तो लेफ्ट साइड में फाइल मेनू ही रहता है ना, देखिए क्या बोला, एमएस वर्ड खोलो, लेफ्ट साइड में कौन सा मेनू है बताओ, तो यहाँ पे देखो फाइल मेनू है, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन रहेगा कोई भी मार देगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ रहेगा वही मारेगा, नहीं तो फिर अंदाजे पे तीर तनाने से उनका सही नहीं हो पाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में निम्न है ना, इनमें उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी हो, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जो MS Excel 2016 कोई भी वर्जन से पूछिए, 16, 15, 19, 365, अभी 21 ज्यादातर यूज किया, तो कोई वर्जन में पूछिए आप बेहिजक होके 10,48,500 आपको लाइव प्रूफ दिखा, कोई भी चीज का हम ऐसे नहीं, कर्सर क्लिक करिए यहाँ पे और कीबोर्ड से देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर, है ना, दिख रहा नहीं आपको, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करें, कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करें, ये देख लिया, अब थोड़ा सा और जूम करते हैं आप, ये देखिए आप कितना बता रहा, 10,48,000, हम सबसे नीचे वाला रो में 10,48,576, 3,48,576 में बोले 10,48,576 रो, वही बोल रहा, अगर कॉलम बात किया जाए तो 16,384 कॉलम, 16,384 को, ठीक है, लास्ट कॉलम अगर बोला जाए तो कंट्रोल के साथ इधर वाला राइट एरो दबा दीजिए, है ना, ये देखिए एक्सएफटी होता है, एक्सएफटी, ए एक्स एफ डी, तो ये आपको याद रख, बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया एमएस एक्सेल ने आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं, फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़िए, बोलना क्या था, एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट, मतलब पहले से जो वर्कशीट है उस पर काम करे, कौन सा यहाँ पे बोला परिवर्तित में को सेव करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए अल्ट एस की मदद से आप सेव थोड़ी ना हो, ये सही विकल्प नहीं है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, सेव आइकन पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाके भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अल्ट एस भी मतलब दे देगा थोड़ी क्वेश्चन हम,
ये सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में तीन ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्या बोला है? मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के तीन ऑप्शन होते हैं, पहचान कर कौन कौन सा ऑप्शन होता है। तो यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फॉर्मेट टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इस तरीके से ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद यही सब ऑप्शन देखे आप पैकेट में भी दिया, करंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करने के लिए टेम्पलेट से शुरू, मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू। बात समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमएस एक्सेल 2016 कस्टम है ना सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, यहाँ पे ब्रैकेट वाला छोड़ देता हूं, के लिए तीन विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान कर। तो नॉर्मल, वाइड और नैरो है ना, समान चौड़ाई और संख और संकरा। देखो हिंदी में बड़ा दिक्कत होता है, फिर से हम पढ़ देते। मार्जिन में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे तीन विकल्प होता है। तो नॉर्मल होता है, वाइड होता है और नैरो होता है, समझा देते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल खोल लीजिए, एमएस एक्सेल खोलिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज लेआउट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे मार्जिन में क्लिक कर। नॉर्मल होता है, वाइड होता है और नैरो होता है, यही चीज पूछा है यहाँ पे, तीन कौन कौन सा होता है। तो नॉर्मल होता है, वाइड होता है और नैरो होता है, ठीक है ना। हम आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दें, ये आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल, वाइड, नैरो होता है, लेफ्ट राइट ये तो अलाइनमेंट का नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। डी सॉरी डीडीएल नहीं, डीएलएल, ठीक है ना, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। देखिए वो हम फुल फॉर्म का पिछले क्लास में वीडियो डाले थे, ठीक है ना, वो सारा वीडियो जरूर देखिए। उस पर जितना फुल, लगभग एक मतलब बोल सकते हैं सीटिंग में 4 से 5 फुल फॉर्म आ रहा, किसी में ज्यादा भी आ रहा, आपको एकदम रीड कर लेना वो वीडियो को, ताकि एक भी फुल फॉर्म ना छूटे। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ये सब सारा फुल फॉर्म बताया गया, मतलब जितना भी है सब जो यूज हुआ है सब बताया। डीडीएल का, डीएलएल का फुल फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, याद रखिए। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल पैन। अगर आपको नया न्यू डेट एंड टाइम को चेंज करना है तो कंट्रोल पैन, देखिए विंडो प्लस आर करिए, यहाँ पे CTRL, हम ये नहीं बोले कि एक ही तरीका, कंट्रोल पैनल खोलने का बहुत सारा तरीका। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेट एंड टाइम, यहाँ से आपको डेट एंड टाइम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वही बोला कि नया डेट एंड टाइम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, विषम मतलब इसमें से बताइए। इंकजेट एक प्रिंटर है, लेजर एक प्रिंटर है, डॉटमेट एक प्रिंटर है, टच स्क्रीन प्रिंटर ने एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है ये सब, और ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो विषम तो यही ना हुआ। चलिए फाइंड द इनवैलिड व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट है ना 2016। तो यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन, वैलिड मतलब जो वैलिड नहीं है, बोला वैलिड नहीं, कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो देखिएगा, एक रीडिंग व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नॉर्मल पेज कोई व्यू नहीं है। चलो हम पावर पॉइंट को खोलकर दिखाई देते हैं, ठीक है। आप चले जाइए व्यू टैब, यहाँ पे व्यू टैब में जाते हैं हम, देखिए व्यू टैब में चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, व्यू टैब में चले गए, और यही व्यू टोटल कौन कौन सा व्यू है, नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है, हाईलाइट सॉर्टर भी है, नोट्स पेज है, रीडिंग भी है, मतलब टोटल अगर पूछ देगा कि पावर पॉइंट में कितने व्यू होते हैं, सॉरी हम 10 दिखा दिए, 5 व्यू होता है, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। बस समझ में आ रहा है, तो इसमें से कौन व्यू नहीं है, तो पेज व्यू नहीं, समझ जाइए एकदम 110% जो हम जेन्युइन चीज आपको प्रोस रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कुछ भी चिल्ला दे रहे हैं। और आपको इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा,
जो जो मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं 110% आप खुद ही एग्जाम देने के बाद कमेंट करिएगा कि सर आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अगर आप करेंगे आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा, अगर आप याद रख लिए तो। इतना ध्यान दिए, वीडियो को बार बार रिपीट करिए, अगर लगता है कि वीडियो अच्छा है तो रिपीट करिए जरूर, ये इससे कुछ अच्छा। और हमको तो 100% लग रहा है कि आपको रिपीट करना ही चाहिए, और नहीं तो फिर आप पछताएं। ठीक है, क्योंकि तो इतना अंदर तक जाकर कोई भी हर एक क्वेश्चन में वो क्या अंदर में पूछा है, क्या ऑप्शन है, वो जाके कोई इंस्टीट्यूट वाला भी नहीं बताएगा, और ना तो उनके पास इतना टाइम भी रहे। ठीक है ना, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं, तो यहाँ पे दो विकल्प होते हैं। ठीक है ना, दो विकल्प कौन कौन से होते हैं ट्रैक चेंज में, देखिए आप एमएस वर्ड में जाइए, यहाँ पे रिव्यू मेनू में, यहाँ पे ट्रैक चेंज, यहाँ पे ट्रैक चेंज में, यहाँ पे जो ट्रैक चेंज बोल रहे हैं, यहाँ पे दो विकल्प नहीं है भाई, तीन विकल्प होंगे। फॉर एवरी वन जस्ट माइंड लॉक ट्रैकिंग, है ना, यहाँ पे तीन विकल्प हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका तीन विकल्प हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, गलत आंसर है जी, गलत है, ये सही आंसर हो। ठीक है, यूज डैश, यहाँ क्या बोला, यहाँ पे टू सेट अप डिफरेंट टाइम्स ऑफ प्रेजेंट इच स्लाइड, स्लाइड ट्रांजेक्शन बटन, क्या बोला, यूज स्लाइड ट्रांजेक्शन बटन टू सेट अप डिफरेंट टाइम्स प्रेजेंट इच स्लाइड, मतलब डिफरेंट टाइम इच स्लाइड कवर करना होगा, स्लाइड ट्रांजेक्शन बटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला www वेब ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये वाला प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम होता है व्यू करने के। ठीक है, इट यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट इन द वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है, तो फैक्ट फंक्शन है ना मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका, चलिए आपको हम बताते हैं फैक्ट फंक्शन। आप एक्सेल में चले जाइए और फॉर्मूला टैब में जाइए, यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक फैक्ट नाम से फंक्शन है ना, यहाँ पे ये देखिए आप जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, फैक्ट एंड फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, देखिए आप जूम करके दिखा रहा हूँ, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नीचे आपका, ठीक है, सारा आता है, ये तो समझ जाइए यहाँ पे। ठीक है ना, इतना यकीन मानिए कि नहीं बताएंगे, ठीक है ना, जितने भी इंस्टीट्यूट के पास उतना टाइम ही नहीं है, एक एक बच्चे को क्यों ध्यान देंगे, बात समझ में आ रहा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, आप वो जरूर है ना ग्रैब करिएगा, मतलब लीजिएगा उस पर। अगर वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए तो लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और लोगों को मदद करिए, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही सीट से मतलब है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग करेंगे तो आप है ना कम से कम शेयर कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, इस तरीके से हम कंटेंट लाते रहेंगे, नहीं होगा तो फिर हमको भी छोड़ना पड़ जाएगा ना, इसलिए प्लीज लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, प्लीज तो आपके ग्रुप में जितने भी है ना उसका लोग को शेयर करिए, ठीक है ना, जरूर देखेंगे, ठीक है, जिनको जरूरत होगा, नहीं जरूरत होगा नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 56 नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफॉल्ट फिल इन अ लेवल, देखो पिन का बाय डिफॉल्ट लेवल नहीं होता, समझा दे, आप एमएस वर्ड में जाइए, मेलिंग टैब में जाइए, सेलेक्ट रिसिपिएंट, टाइप न्यू लिस्ट, ये जो आपको दिख रहा है आपको टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, लाइन वन है, लाइन टू है, जो भी है, सिटी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिटी के बाद यहाँ पे क्या दिया वहाँ पे है ना, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री कोड है, होम फोन है, वर्क फोन, और वर्क फोन के बाद क्या, ईमेल, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस है, लास्ट नेम है, सिटी भी है, पिन नहीं। देखिए कितना क्वेश्चन से पूछा, हम कहाँ से आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, पहले कहाँ गए, मेलिंग टैब में, सेलेक्ट रिसिपिएंट में, टाइप न्यू,
इसमें से ऊपर में हेडिंग में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, हालांकि जो नहीं है वो हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन नहीं है, तो तीन नाम का ऑप्शन नहीं है। देख रहे हैं ना बच्चे यहाँ पे कितना अंदर तक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस चीजों को समझ। अब बताइए जो पहली बार एमएस वर्ड कर रहे हैं उनको तो ऐसे भी नहीं याद रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए जब वीडियो में बताएं और ये क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि एमएस वर्ड वही है, एमएस वर्ड चेंज नहीं होता है कोई भी चीज, क्या करंट अफेयर नहीं कि डेली चेंज होगा, बात समझ में आ रहा ना कि आपको चेंज नहीं होगा, इसीलिए ध्यान दीजिए जितना पढ़ाएंगे। अगर वहां पे रटाएगा नहीं, लेकिन अगर चार को क्वेश्चन देगा ना, चार आंसर देगा, तो आप बोल दीजिएगा नहीं सर तो यही बताए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? एक ही प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? पिरामिड एक प्रकार। क्या बोला, फिर से इसको क्वेश्चन पढ़ते। एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? देखिए हम चलते हैं, आपको हम बताते हैं एमएस एक्सेल, और यहाँ पे क्या बोला, स्मार्ट आर्ट, इसमें आप चले जाए इंस्टार्ट में, और यहाँ पे पिरामिड में चले जाए। देखिए यहाँ पे ये आपका पिरामिड है, कहाँ गया यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं वो देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए, एक ही प्रकार के पिरामिड, आप समझ में आ रहा, पिरामिड में टाइप्स नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं, तो कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं, तो एक प्रकार, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, इन एमएस पावर पॉइंट यूज डैश टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड, सो नेक्स्ट मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाए जैसे हमें पावर पॉइंट 5 करते, और अब दूसरे स्लाइड में जाना, क्या करेंगे, एरो बटन करेंगे तभी होगा, यानी तो क्लिक करेंगे कि यहाँ पे राइट एरो दबे नेक्स्ट कर सकते हैं, बाकी एक ही चीज है सब में, तो कहाँ से देखेगा आपको नेक्स्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा था, राइट एरो की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश कॉलम हेडिंग पर माउस पर राइट क्लिक करें, और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प चुनें, है ना, चयन करें। देखिए आप क्या बोला, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई 2.0 करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलम हेडिंग को चुनें और माउस से राइट क्लिक करें और फिर यहाँ पे चुनें, देखिए हम एमएस एक्सेल खोलते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे यहाँ पे चुनें, और जितना करना है आपको यहाँ पे पूर करना है, यहाँ पे देखिए सब पूर, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं आप, जितना करना उतना कर सकते हैं आप, ठीक है। एट लास्ट क्वेश्चन, इस सेटिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो किस टाइप का अमान्य का मतलब कौन डेटा स्रोत नहीं है, देख रहे हैं ना कैसा कैसा वर्ड का यूज किया, अमान्य मतलब वही होता है मान्य नहीं, तो अदर डेटा फाइल्स है, एक्सेल डेटा बेस है, एक्सेल स्प्रेडशीट का है, पावर पॉइंट का नहीं है, इसमें पावर पॉइंट से मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है मेरा, बाकी सब एक्सेल से आप डेटा बनाकर कर सकते हैं, एमएस एक्सेल से कर सकते हैं, अदर डेटा बेस जैसे माई एसक्यूएल से कर सकते हैं, और भी कोई डेटा बेस होगा ओरेकल से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है पावर पॉइंट से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है मेल मार्च, ठीक है, ये आपका समझ में आया होगा। इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो हैं तो सब्सक्राइब करके दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको भी हम इस तरीके से कंटेंट देते रहें, और यकीन मानिए कि आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, आप वीडियो को शेयर करिए जितना बच्चे देख रहे हैं, अपने ग्रुप पे प्लीज जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले।